अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के महीने में किस तरह से तिरंगे के नाम पर मुस्लिम लड़के पर कार्रवाई हो जाती है, स्क्रीन पर वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद इस मुस्लिम लड़के को पता नहीं था कि अगर हम तिरंगे से तारबूज को साफ़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। इन्होंने तिरंगे से तारबूज को साफ़ किया, बाद में पुलिस आई और गिरफ़्तार कर लिया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, असल हंगामा गिरफ्तारी के बाद हो जाता है। क्या हंगामा होता है स्क्रीन पर आप लोगों तक शेयर करूंगा। साथ ही साथ लास्ट में और एक खबर दिखाऊंगा, किस तरह से हिंदू महासभा के लोगों ने गाय को काट दिया, ज़बह कर दिया, जिन्हें वो लोग माँ मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, गोमाता कहते हैं। गोमाता को काट कर थाना गए मुसलमानों को फंसाने के लिए, जब केस दर्ज करा रहे थे तब पकड़े गए बाद में, और पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ लिया, यानी वही लोग फंस गए। स्क्रीन पर एक तरफ से सब कुछ सबूत आप लोगों को दिखाता चलूँगा। सबसे पहले आइए ये वीडियो देखिए, किस तरह से एक मुस्लिम लड़का तरबूज को तिरंगे से साफ कर रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट करने लगे कि मदरसे में यही सब सिखाया जाता है, सभी मदरसे मस्जिदें बंद करा दो। लोग इस तरह की बातें करने लगे, पुलिस भी आई, पुलिस गिरफ्तार करके इस लड़के को ले गई। उसके बाद हंगामा होता है सोशल मीडिया पर, क्या होता है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। लोगों ने पुरानी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं एक शख्स तिरंगे को पहन लिया है और चल रहे हैं। लोगों का कहना है इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक महिला हैं और कचरे में तिरंगे फेंके हुए हैं, किसने फेंका, कोई कार्रवाई नहीं, और ये महिला तिरंगे के ऊपर बैठी हुई है। लोग इस फोटो को शेयर करना शुरू कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं तिरंगे पर बीजेपी झंडा गाड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और मोदी जी की फ़ोटो आप देख सकते हैं, मोदी जी चेहरा साफ कर रहे हैं। एक तरफ तारबूज साफ हो रहा था, दूसरी तरफ मोदी जी अपना चेहरा साफ कर रहे हैं। तारबूज साफ करने वाले गिरफ्तार हो गए। लोगों का कहना है कि मोदी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू महासभा के लोगों ने तिरंगे पर आग लगा दिया है। इस फोटो को लेकर लोगों का कहना है कि तारबूज अगर तिरंगे से साफ करना अपमान है तो तिरंगे में आग लगाना ये सम्मान कब से हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी लोग, बीजेपी पार्टी से जो लोग हैं शायद प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी झंडा भी है और गाड़ी के ऊपर तिरंगा बिछाया हुआ है और तिरंगे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। लोगों का कहना है कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ तारबूज साफ करने वालों पर हो गई क्योंकि वो मुस्लिम है। अब आइए दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमर उजाला ने इस खबर को छापी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने रामनवमी के मौके पर माहौल को ख़राब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने, पदाधिकारियों ने गाय को, गोमाता को, अपनी मां को ज़बह कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ शिकायत करने थाना पहुंच गए थे। पुलिस वालों ने छानबीन किया, लोकेशन से पता चला कि जिन लोगों के खिलाफ ये लोग शिकायत कर रहे हैं वो लोग एक महीने से इस इलाके में है ही नहीं। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए, वो भी रामनवमी के मौके पर। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। सबूत आपकी स्क्रीन पर, यानी एक तरफ तारबूज को लेकर, तिरंगे को लेकर मुस्लिम को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी एक तरफा, जो और लोग हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं उन लोगों को कुछ किया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ किस तरह गाय को काटकर मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ।